दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए ब्लॉग में, और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने गांव से, और फिलहाल मैं हूँ हमारे प्रीतम भाई के घर पे। तो आज हम सबकी तैयारी है शिमली जाने की, क्योंकि आज शिमली में हमारी चंडिका माता की डोली बाहर निकलने वाली है लगभग 15 साल के बाद, और चंडिका माता की डोली लगभग 6 महीने तक पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेगी। तो आजकल बरसात के मौसम में देखिए हमारा पूरा गाँव कैसा दिख रहा है, चारों तरफ पूरी हरियाली ही हरियाली है। प्रीतम भाई के घर पे देखिए आजकल कितने सारे फूल और सब्जियां लग रखी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, निकल चुके हैं हम अपने गांव से, और हम आज जाएंगे पूरा पैदल यहाँ से लगभग, ये नीचे यहाँ दिख रहा है शिमली, इससे नीचे। तो चलिए चलते हैं। तो परसों की हवा के कारण ये यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, और हमारे गांव में धान भी हो गई है अब काटने के लिए। तो अब मुझे लग रहा है कल से हमारे गांव वाले अब लग जाएंगे कामों पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर नीचे, और यहाँ पे पहले बोलते थे कि स्कूल का बांजा, यानी कि यहाँ पे स्कूल लगती थी पहले, और हमारे सभी साथी आ चुके हैं, और अभी भी हमें लगभग 3-4 किलोमीटर नीचे जाना है, ये देखिए। तो चलिए अपने सफर को जारी रखते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो हमारे गांव के लोग यहां पे गायों को चराने आते हैं, क्योंकि ये बंजर क्षेत्र है, बंजर भूमि, तो यहां पे घास काफ़ी अच्छी होती है, और ये पूरा क्षेत्र। तो गाइस, आज हमारे गांव के लगभग सभी लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा का असली मज़ा तो पैदल में ही है, गाड़ी में जाने में कोई मज़ा नहीं है। हमारे गांव के लगभग हर परिवार से 2-3 आदमी तो जरूर से आ रखे हैं आज, और हम देखिए कैसे रास्तों से जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे रास्तों से जा रहे हैं, यहाँ से नीचे जाना है हमने बिल्कुल, इधर से सड़क से होके वहाँ से नीचे, और ये रास्ता ठीक सामने शिमली। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सुंदर गाँव की ब्रांच रोड पर, और ये इससे आगे नहीं जाती है ये रोड, क्यों नहीं जाती है अभी तो बताओ, क्योंकि वहाँ आगे पे बहुत ज़्यादा मलमा आया रहता है सड़क पे। मलमा उन्होंने मना कर दिया कि हम देते नहीं छोरे। तो मतलब ब्लॉक तो हो रखी है वो रोड, यहाँ पे देखिए जैसे। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं पानी के स्रोत पे, और यहाँ से थोड़ा पानी भर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो चुकी है हमें, और धूप भी तेज़ होने लगी है, तो हमारा सफ़र थोड़ा कठिन होने वाला है। परसों की बारिश के कारण देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड और पेड़ गिर रखे हैं सारे नीचे, ये देखिए। तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम फाइनली अब शिमली में, और यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और हमारी हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, और ये हमारे भाई लोग सभी। दोस्तों, भीड़ देखिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, अभी सुबह लगभग 12 बजने वाले हैं अब, और 12:30 बजे माता की डोली बाहर आएगी। तो अभी हमारे गांव के सभी लड़के लोग हम जा रहे हैं घूमने के लिए पीछे झूला पुल की ओर, जितने भी लौंडे हैं सारे अपने। दोस्तों, आ चुके हम झूला पुल पे, और ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, और पिंडा नदी देखिए आप पूरे उफान पे है आजकल बरसात के टाइम पे। दीपू भाई यहाँ पे काफी डर रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मंदिर में, और आपको मंदिर दिखाता हूँ यहाँ का। तो दोस्तों, ये है यहाँ से प्रवेश द्वार माँ चंडिका के मंदिर में जाने के लिए, और भीड़ काफी ज्यादा हो रही है आज, तो चलते हैं अब अंदर। तो दोस्तों, भीड़ काफी ज्यादा हो रखी है आज यहाँ पे, तो दर्शन होना काफी मुश्किल है, ये देखिए मंदिर के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है।
लाटू देवता पहुंच चुके हैं। Oh
तो यहाँ पे चल रहा है भंडारा और सभी लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं। तो प्रसाद लेके हम आ चुके हैं, अब यहाँ पे एक जगह बैठ चुके हैं सभी। और हमारे गांव वाले देखिए आप लोग, खाने के लिए कोई पीछे नहीं रहता यहाँ। भाई भाई कहाँ गया दीपू? दीपू कहाँ गया? इनका बेटा खो गया, इनका बेटा खो गया है, जरूर जिस चीज को मिले। दीपक रावत का ग्राम। तो दोस्तों भंडारा खाने के बाद हम आ चुके हैं बाहर। तो आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।